दोस्तों एक सुपर नेचुरल और हॉरर मिस्ट्री मूवी रिलीज हो चुकी है थिएटर में, शैतान नाम से, स्टारिंग अजय देवगन, आर माधवन एंड ज्योतिका मैम इन लीड रोल, जिसको फाइनली मैंने देख लिया है। दोस्तों मैंने देखा एक मिनी प्लेक्स में, वो भी 12 बजे वाला शो, और भाई कसम से बता रहा हूँ कि थिएटर में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी इस मूवी के लिए। हो सकता है कि शिवरात्रि की वजह से लोग नहीं गए होंगे। एनीवे, तो कैसी है मूवी, आइए बात करते हैं। क्या ये मूवी आपको एंटरटेन करती है और क्या इस मूवी के लिए थिएटर पर जाना वर्थी है भी या नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। बात करें स्टोरी लाइन की, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह है मूवी एक गुजराती मूवी बस का ऑफिशियल रीमेक है। चूंकि मैंने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है तो आज का रिव्यू उसी के हिसाब से होगा। दोस्तों कहानी फोकस करती है एक स्ट्रेंजर के ऊपर, जो किसी एक खास कारण से जवान लड़कियों पर काला जादू करके उनको अपने वश में कर लेता है भाई। और अनफॉर्चुनेटली वह अजय देवगन सर की फैमिली के साथ भी इन्वॉल्व हो जाता है और अजय सर की बेटी जाह्नवी को भी अपने वश में कर लेता है भाई। और भाई इसका वशीकरण इतना भयंकर है ना कि जैसे ये बोलता है ना, जाह्नवी बिल्कुल वैसे ही कर रही है, कभी चाय की पत्ती खा रही है पागलों की तरह, कभी डांस कर रही है, कभी हंस रही है। और हद तो तब हो गई जब वो बोलता है कि अपने पापा को थप्पड़ मार दो, और वो थप्पड़ मार भी देती है। लेकिन अजय देवगन ने जहाँ पर दृश्यम मूवी में अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, और यहाँ पर भी वो अपनी बेटी को बचाने के जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो आखिरकार कहानी में आगे क्या होगा और वो स्ट्रेंजर ये सब क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका क्या मोटिव है, और क्या अजय देवगन सर अपनी बेटी को बचा पाएंगे, और उसके लिए कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आएंगे, ये सब कुछ आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसकी लेंथ वेरी करती है 2 घंटे 12 मिनट के आसपास। इन द मीन टाइम अगर इस मूवी का रिव्यू मुझे एक लाइन में करना हो तो बस मैं यही कहूँगा कि भाई यह एक डिसेंट सी मूवी है जिसको एक बार देखा जा सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस मूवी में इतनी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट दी गई है, तो परफॉर्मेंस तो तगड़ी देखने को मिलेगी भाई आपको। और दोस्तों जो इस मूवी की मेन एक्ट्रेस है ना, ओरिजिनल मूवी वश में भी वही एक्ट्रेस थी, और यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा तगड़ी देखने को मिल रही है। यानी कि परफॉर्मेंस वाइज यह मूवी अच्छी है, जो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की तो देखो भाई, इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा है इसका BGM, जो बहुत ज़्यादा दमदार है। और BGM के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई वाह, मज़ा आ गया। मूवी का स्क्रीन प्ले भी ठीक ठाक है, मूवी शुरू होते ही स्पीड पकड़ लेती है, जो फटाफट अपने टॉपिक पर आ जाती है। और भाई मूवी की कहानी भी अच्छी है। अगर आपने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है तो यह मूवी आपको अच्छी लग सकती है। और दोस्तों इस मूवी का क्लाइमैक्स भी ठीक ठाक लगा मुझे। बात करें नेगेटिव की, देखो भाई इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसकी सिनेमाटोग्राफी। यार पूरी मूवी का 90% हिस्सा एक घर में ही शूट कर दिया भाई, और जो बचा कुछ हिस्सा था ना वो भी रात के अंदर में निपटा दिया गया है। यानी कि पूरी की पूरी मूवी में दिन का आपको 10% पार्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। और भाई मूवी रात में शूट हुई है तो विजिबिलिटी में तो प्रॉब्लम आएगी ही। और दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है ना, उसमें भी ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, और कहीं कहीं पर तो मूवी बोर भी कर रही थी भाई, जिसकी वजह से लोग थिएटर में मोबाइल निकालकर अपना इंस्टाग्राम रील भी इंजॉय कर रहे थे भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूवी का जो ट्रेलर है ना, उसमें जो दिखाया गया है ना, पूरी की पूरी मूवी इतनी है भाई, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं मूवी में। और दोस्तों एक चीज़ और नोटिस की मैंने कि इस मूवी में जो आर माधवन का ये क्राइम करने के लिए जो मोटिव था ना, वो भी इतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे। और भी एक दो लूप होल है मूवी में, लेकिन अगर सब कुछ बोलूंगा तो मूवी स्पॉइल तो हो जाएगी और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा भाई। अब बात आती है कि मूवी को क्यों देखें। देखो भाई बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप अजय देवगन और आर माधवन सर के फैन हो और आपने ओरिजिनल मूवी वश नहीं देखी है तो आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। रही बात पेरेंटल गाइडलाइन की, मूवी 100% फैमिली फ्रेंडली है, मूवी में कोई भी न्यूडिटी या वल्गर सीन देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ भी आराम से एंजॉय कर सकते हो। मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेंगे 3 out of 5 stars। बाकी इसकी सिनेमाटोग्राफी और पूरी की पूरी मूवी को एक घर में ही शूट करने के लिए 2 stars तो आराम से कटा जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू शैतान मूवी के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, बाय।